हेलो गाइस, नहीं बोलूंगा क्योंकि बेकार और बोरिंग चीज है। डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं बॉलीवुड चैनल। क्या आप भी चाहते हैं कि यूट्यूब के लिए एक बढ़िया सा माइक लिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि एक यूट्यूबर बने? तो आपके लिए पीएसए एक ऐसा बजट के अंदर माइक लेकर आया हूँ जो कि प्रोफेशनल, अगर प्रोफेशनल करना है उन लोगों के लिए ये माइक बहुत ही बेहतरीन सा है। आप थंबनेल पे तो आप देख ही चुके हो, लेकिन आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिखाऊंगा कि इस माइक का फायदा क्या है। बेसिकली इस माइक को मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये माइक बहुत ही अच्छा है। और भी माइक आपको सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल यूट्यूबर बने और उसके लिए प्रोफेशनल टाइप का डबिंग करे, तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल लेवल का माइक की ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि आपके पीसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी माइक इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं रिक्वायरमेंट करूंगा JBL का माइक का रिक्वायरमेंट करूंगा क्योंकि ये बजट में बहुत ही सस्ता आता है बोया से। बोया को आपको बहुत ही कॉस्टली आपको पड़ता है, लेकिन ये JBL का माइक आपको बजट के अंदर ही मिल जाता है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप खरीद सकते हो। और ये जो माइक है बहुत ही क्लियर आवाज़ देते हैं। और मैं इस माइक को अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। फिलहाल मैं इसका अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ क्योंकि मैं इसको जब आया था ये प्रोडक्ट मेरे पास तो मैं देख ही लिया था, क्योंकि इसका साउंड क्वालिटी अगर मुझे खुद अगर नहीं चेक कर पाऊँगा तो आप लोगों को कैसे बता पाऊँगा। अगर मैं इसलिए मैंने खुद पहले ट्राई किया, उसके बाद आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका क्या क्या मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगा और नेगेटिव पॉइंट क्या लगा, तो मैं इसके प्लस पॉइंट बताऊंगा। नेगेटिव पॉइंट मुझे बहुत ही कम ही लगा क्योंकि प्लस पॉइंट इसमें बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, ठीक है। खोलने के बाद आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद आपका माइक यहाँ पर है जो कि बहुत ही मतलब वेटेबल होता है। माइक बहुत ही ज्यादा वेट है, माइक का भारी भी बहुत है। और इस माइक का मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये माइक आपको खुद की मैन्युअली आप काम कर सकते हैं इस माइक से, जो कि बोया में रहता है, ब्लू में रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही कम में आपको मिल जाएगा, ब्लू से कम मिलेगा क्योंकि ब्लू भी एक बहुत ही प्रोफेशनल टाइप का माइक है। लेकिन उतने बजट अगर आपके पास नहीं है तो ये माइक बहुत अच्छा है। और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको बताता हूँ, क्या क्या इसमें फीचर्स है। देखिए, सबसे पहले ऊपर में आपको ये बटन दिया हुआ है, एक वॉल्यूम का टाइप का ये दिया हुआ है, दो बटन दिया हुआ है वॉल्यूम का टाइप का ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या है ये सब, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है माइक्रोफोन का, जो ये माइक्रोफोन है इसमें जो भी वॉल्यूम कैच करना पड़ता है, मतलब नॉइस को आप वॉल्यूम को कितना साउंडली मतलब कितनी दूर से डबिंग करने वाले हो या कितना वॉल्यूम आप अंदर लाने वाले हो, तो उसके लिए ये बेसिकली दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये मैं ज़ीरो में रखता हूँ तो ये ज़ीरो में ही रहेगा, आपका उतना नॉइस भी नहीं आएगा और वॉल्यूम को उतना कैप्चर नहीं करेगा। उसके बाद आपका आता है सेकेंड जो नीचे वाला है, इसमें आपका क्या है, ये जो है ये होता है कि आप लाइव में कोई हेडफोन यूज़ कर रही हो तो उसका वॉल्यूम कितना रखना चाहते हो, कि मतलब कितना सुनना चाहता हूँ वॉल्यूम, ये जो वॉइस आप सुन पा रहे हो मेरे डायरेक्ट लिया और इससे आपको सुनाने वाला हूँ। और इसके साथ दिया हुआ है टाइप सी केबल, जो कि टाइप सी केबल मैंने नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे नीचे का पोर्ट जो है इसमें एक टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है जो कि आपका पी से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। और दूसरा ये जो पोर्ट है ये आपका हो गया हेडफोन्स का, जो कि डायरेक्टली आपको सुनाई देगा, जो भी आप डब करेंगे वो परफेक्टली डायरेक्टली आपको सुनाई देने वाला है। डायरेक्टली आपको पीसी के अंदर ले चलते हैं जहाँ पर मैं डबिंग करके इसका वॉइस आपको क्वांटिटी सुनाने वाला हूँ। तो अभी जो आवाज़ सुन पा रहे हैं ये JBL की माइक्रोफोन से है, इसे मैंने कोई भी एडिट नहीं किया है वॉइस को,
और अभी आप सुन पा रहे JBL का माइक का आवाज। अब आप सभी को पता तो चले गया होगा कि इसका आवाज कितना क्वालिटी दे रहा है। तो JBL के माइक्रोफोन की आवाज आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा कितना अच्छा क्वालिटी दे रहा है। और इसको मैंने कोई भी एडिट नहीं किया है, सिर्फ रिकॉर्ड किया है, उसके बाद कुछ नहीं छेड़खानी किया है। तो आप लोग सुन सकते हो कि कैसा क्वांटिटी दे रहा है। और दूसरी बात, अगर वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन सा टिप्स देने वाला हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।